सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से? मैं कुमाऊनी हूँ, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा, बहुत बढ़िया। कब आए थे यहाँ? मुझे हो गए, पहली कथा में आ गया था, 3 दिन हो गए। 3 दिन, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आपको हमारा बुंदेलखंड कैसा लगा? जी गुरुजी, बहुत बढ़िया लगा। मैं आपकी लगभग, ये मेरी 3री कथा है। मैं टीकमगढ़ में भी आ चुका हूँ और जबलपुर में भी, तो आप यहाँ भी पूरी कथा। वाह, थैंक यू वेरी मच। मेरे को पूछो प्यारे। गुरुजी, मैं श्रीमद् भागवत गीता का कुमाऊनी में अनुवाद कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का मैं कुमाऊनी में अनुवाद कर रहा हूँ। किसमें? कुमाऊनी भाषा में। कुमांगी, हाँ भाषा कुमांगी, ठीक। तो अभी तक किसी ने किया नहीं था, वो ये काम मैं कर रहा था, लेकिन जब मैंने एक अध्याय मैं लिख भी चुका हूँ उसमें, लेकिन मुझे अब थोड़ी दिक्कत आ रही। क्या हो गया है? कि जब मैं अगर मन लगता है तो ऐसी कौन सी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं कि हमारा मन इधर उधर भटकने लग जाता है, या फिर कोई भी दर्द या फिर एग्जाम का प्रेशर। इसका सबसे पहला सूत्र तो आप ये समझिए कि मन भटकता नहीं है, इसकी भटकने की आदत ही है। जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा और आप संकल्प पर दृढ़ नहीं होंगे तो कोई भी काम करना, मन भटकता रहेगा। मन को ना भटके, इसका बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि आप अपना संकल्प के मैं ये करके ही मानूंगा, बस यही एक उपाय है कि कैसी भी शक्तियां आ जाएं, भेद करके आप पास हो जाओगे। सर धन्यवाद। नंबर 2, किसी योग गुरु का आशीर्वाद, सकारात्मक गुरु का। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में जो बलवान होती है वह नज़दीक रहती है। तो अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी आपके बहुत नज़दीक आ रही है और बहुत सता रही है, तो सीधा सा उपाय है, आप पॉजिटिविटी के पास चले जाओ, नेगेटिविटी भाग जाएगा। अंधकार है तो आप सीधी सी बात है, दिया जलाओ, अंधकार भाग जाएगा। जी गुरुजी, मैं सबसे पहले, अगर आज तक मैंने किसी भी धार्मिक गुरु से नहीं जुड़ा हुआ, मैं पहली बार बागेश्वर धाम सरकार से ही जुड़ा हूँ, और तब से मेरा जीवन बहुत कुछ बदल गया है। भगवान करे और बदले, ये गीता का कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो। जी गुरुजी, और कहीं अगर हमारी जरूरत लगे तो हम बच्चों को आज्ञा दे देंगे, आप हमको मिल सकते हैं। जी गुरुजी, मैं पब्लिश भी बागेश्वर धाम सरकार से ही करना चाहता हूँ, वहाँ से जब भी अगर मेरा पूर्ण होगा। स्वागत स्वागत बेझिझक। जी गुरुजी, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप ये राष्ट्र हित के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता सनातन के प्रचार के लिए आपका ये सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, आप नित्य उनका 10 मिनट मेडिटेशन ध्यान कीजिएगा, ध्यान की ओर बढ़ जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन से मन शांत होता है और जाओ, आपका यह काम निर्विघ्न संपन्न। जी गुरु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन कि अभी आपने वहाँ कथा में एक वो सिद्धि पर चर्चा की थी, गरिमा सिद्धि, तो इसमें जब हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, मतलब पहले वो भीम का अहंकार तोड़ा था, जहाँ पे हनुमान चट्टी वो चमोली में ही बद्रीनाथ के पास स्थित है, तो जब हनुमान जी उसके बाद वहाँ से द्रोणागिरी पर्वत को उठाते हैं, तो वहाँ से वो सीधे वहाँ ले जाते हैं जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, तो माणा के लोगों में आज भी एक मतलब वो शंका बनी हुई है कि वो हमारे यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर ले गए थे, इसलिए हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा उन्होंने रखनी चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। इस पर कहाँ के लोग? उत्तराखंड, माणा, चमोली। मतलब उत्तराखंड के लोगों में ये टेंशन है कि ये पर्वत क्यों ले गए, क्यों ले गए हमारा? अरे वो तो बहुत युग बीत गए यार, तब भी माणा माणा के लोग आपको, अब तो गिला शिकवा मिटा देना चाहिए उन लोगों को। जी गुरु जी, मैं इस पर। अच्छा, इसके लिए एक उपाय है, ये उत्तर है, कहना जिनकी प्रॉपर्टी है वो ले गए, और अगर उन लोगों को ज्यादा गिला सिकवा हो तो भैया जान रखा है वहां से ये लोग ले जाएं। झंझट खत्म, और कर नहीं सकते लेकिन नाराज हो जाएंगे। एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी तुम्हारे गार्ड बहुत बेकार है। हमने कहा क्यों? अरे बहुत बेकार है, धक्का देते हैं। हमने कहा तुम बन जाओ। बोले यार फिर तो घर वाली मना करेगी। हम कहा फिर मोइना चलाओ, धक्का खाओ। जो कर नहीं सकते उससे हम टोक कैसे दें?
तो जिनकी प्रॉपर्टी थी कहना ले गया, हम कभी उत्तराखंड ये बात समझाने आएंगे। जी गुरु जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी एक कथा भी कराऊं, वहाँ आशीर्वाद देते गुरु जी की, कभी ऐसा योग बन जाए। बहुत आशीर्वाद प्यारे बेटा। जी गुरु जी, और मैं जिसकी वजह से जुड़ा आपसे गुरु जी, वो भी मुझे लाइफ में मिल जाए, बस लास्ट यही काम है। लबेरिया बीमार दिखा रहे तुम, तुम बहुत ज़्यादा ग्रसित दिखा रहे लबेरिया से। जी गुरु जी, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे लबेरिया ने आगे सुरधाम से जोड़ दो, ये भी बहुत अच्छा। आशीर्वाद, खुशी रहो, भगवान करे तुम्हारा लबेरिया संपन्न हो। जी गुरु जी, धन्यवाद सीताराम। जय भागे सुधाम सर, जय भागे। हम तो उड़ चिड़ैया पकड़ ली।